बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर है वो हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 3 से। जो हमारे फर्स्ट टू लेक्चर्स हैं, फर्स्ट ईयर अपना फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, वो हम इंशाल्लाह इसकी बुक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें हमारे पास क्या होता था, इसकी डेफिनेशन क्या थी, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज दिस। अब ये कोई भी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी नंबर्स है, अगर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड कर दें तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए मैट्रिक्स, कैपिटल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इनको हम ये नाम दे सकते हैं। अब ये इनको हम कहते हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एक और मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट मैंने ये ले लिए हैं ए बी सी डी ई एफ। कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ हमारे जो है वो अल्फ़ाबेटिक हों या नुमेरिक नंबर्स हों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि रो ऑफ मैट्रिक्स, किसको रो कहेंगे, द होरिजेंटल लाइन, होरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर आर कॉल्ड रो। अब होरिजेंटल लाइन क्या होती है, एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर वाली मैट्रिक्स ली है, वो है जी ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसमें होरिजेंटल किसको कहेंगे बेटा, होरिजेंटल हम कहेंगे ये जो लाइन है हमारी, ये इसको हम कहते हैं कि ये होरिजेंटल लाइन है। इस लाइन को होरिजेंटल लाइन कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में कितनी होरिजेंटल लाइंस हैं, रो 1 एंड रो 2। लिहाजा इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 होरिजेंटल लाइंस हैं इसलिए इसकी रोज़ भी 2 हो गई। अब है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक यही वाला जो मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ये है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं, कौन सी वर्टिकल लाइंस हैं, ये लाइन वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस हो गई हमारे पास, 3 वर्टिकल लाइंस हो गई, C1, C2 एंड C3। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि इस मैट्रिक्स में 2 होरिजेंटल लाइंस हैं तो इसकी 2 रोज हो गई, 3 वर्टिकल लाइंस हैं तो इसके 3 कॉलम्स हो गए। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दी है कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें मैंने बताया है कि 2 होरिजेंटल लाइन और
थ्री वर्टिकल लाइंस, इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आर वन आर टू सी वन सी टू सी थ्री। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो दो रोज़ हैं तो इसका ऑर्डर है टू बाय थ्री, इसका ऑर्डर टू बाय थ्री है। अब हम पढ़ते हैं जी कि मैट्रिक्स कितनी किस्म्स की होती हैं। पहला हम पढ़ते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट हो। जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ये हमने पढ़ा है कि रोज़ किसको कहते हैं, रोज़ उसको कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दो आर वन एंड आर टू, कॉलम्स कितने हैं सी वन सी टू सी थ्री। तो इसका ऑर्डर कितना है टू बाय थ्री। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर ना हो, जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होंगे उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर है बेटा टू बाय थ्री, और इसमें अब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, अब ये लाजमी नहीं है कि हम इसको नाम सिर्फ ए का दें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी डी कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने इसको नाम बी दे दिया है, और यहाँ पर मैं अब इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ये ले रहा हूँ। अब इसमें मुझे बताएं कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दो हैं और वर्टिकल लाइंस भी दो हैं। तो इसमें ये आर वन आर टू सी वन सी टू, इसका आर्डर है टू बाय टू, टू बाय मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर सेम हो। अब मैंने एक मैट्रिक्स बी लिया, इसका आर्डर है टू बाय टू, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम आज का लेक्चर ज़रा रिव्यू करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है मैट्रिक्स की। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ रो के ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप बुक में ये रीड कर लें, ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के तौर पर ये आ सकता है, तो लिहाजा वो आप पढ़ लें बुक से। इसके बाद हमने रो ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होते, और स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें मैंने आपको बताया है कि ये इसमें जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं। अब आप ये इनकी डेफिनेशंस बुक के पेज नंबर उसके फर्स्ट चैप्टर नंबर थ्री का जो फर्स्ट
और सेकंड पेज है वो आप रीड कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।